भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बूंदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस लोकार्पण समारोह में बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, केसराय पाटन की विधायक श्रीमती चंद्रकांता जी, प्रधान जी, सभी अधिकारीगण, अतिथिगण, नौजवान साथियों, आज बूंदी के लिए एक नई शुरुआत हुई है। आज हम इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का सिंथेटिक ट्रैक, जो आज नौजवानों के लिए आवश्यकता है, नौजवान किसी भी स्पोर्ट्स की तैयारी करनी हो तो उस नौजवान को एथलीट का खिलाड़ी होना आवश्यक है। अगर कोई खेल में वह जीतना चाहता है, पदक प्राप्त करना चाहता है, तो तन मन शरीर से स्वस्थ जब ही होगा जब वो एथलीट की ट्रैक पर दौड़कर कीर्तिमान हासिल करेगा। और ये एथलीट का ट्रैक जो बूंदी में बन रहा है, मैं जब कोटा में इसका बनाने का प्रयास कर रहा था तो मेरा सपना था कि बूंदी के अंदर भी एथलीट का ट्रैक बनना चाहिए। मैं बूंदी के नौजवानों को जानता हूं, दूर दराज के गांव में आने वाले नौजवानों को आने वाले समय के अंदर हम स्पोर्ट के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ला सकते हैं, जब वहां खेल स्टेडियम बढ़िया हो। और आज मैं कह सकता हूं कि 20 करोड़ का प्रथम चरण में और 26 करोड़ का द्वितीय चरण भी स्वीकृत हो गया है। अब कोटा से भी बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बूंदी की धरती पे बनना जा रहा है। 46 करोड़ से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एथलीट का ट्रैक होगा। स्विमिंग पूल का तो सपना बूंदी में देखा भी नहीं था, 75 साल बाद स्विमिंग पूल होगा। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, उसका इंडोर स्टेडियम होगा। ये नौजवान जो दूर दराज के गांव से आते हैं, उनके ठहरने के लिए 10 करोड़ का यूथ का हॉस्टल होगा, ताकि यहां रहकर वो पढ़ाई कर सकें। यहां पर 7 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम होगा, जिसके माध्यम से कई गतिविधियां चलेगी। ओपन ऑडिटोरियम होगा और उसके साथ हमारे बुजुर्ग सुबह सुबह जब घूमने आते हैं तो उनको पढ़ने के लिए 2 करोड़ रुपए की लाइब्रेरी होगी। और घूमने के बाद यहां रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पानी आराम से पिए, उसके लिए 2 करोड़ का रेस्टोरेंट होगा। एक छत के नीचे बूंदी के अंदर सारी गतिविधियां का ये प्रथम चरण है। अगले लोकसभा कार्यकाल में मैं जब आया था तो 20 करोड़ की घोषणा करके गया था और उस समय कहा था मैं 25 करोड़ और लगाऊंगा, और आज मैं कह के जा रहा हूं अगले कार्यकाल में 50 करोड़ और लगेगा, 100 करोड़ का ये स्टेडियम बनेगा। जब देश में बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो हमें भी आपने लोकसभा अध्यक्ष बनाया है, कहीं 500 करोड़ का बनता है, 700 करोड़ का बनता है, तो बूंदी के अंदर भी कम से कम 100 करोड़ का तो बने। और 100 करोड़ का सपना बनेंगे तो
तो फिर 200 करोड़ के सपने को देखेंगे। मैं चाहता हूं ये बूंदी जो शौर्य की धरती है, ये बूंदी जोहाड़ी रानी की धरती है, जिसकी शौर्य की गाथा हिंदुस्तान में नहीं विश्व के अंदर जाती है, आने वाले समय के अंदर इस बूंदी का नौजवान देश नहीं पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आए तो मेरा बूंदी का नौजवान लेकर आए। और बूंदी का नाम जैसे हाड़ी रानी जी की धरती के नाम है, ऐसे आने वाले समय के अंदर खिलाड़ियों के खेल के मैदान के अंदर गांव ढाणी का नौजवान भी देश और विदेश में खिलाड़ी के रूप में भारत का नेतृत्व करे, ये सपना हम देख रहे हैं। और इसीलिए इस सपने को पूरा करोगे आप लोग, आप पढ़ाई भी करो, अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार भी प्राप्त करो, लेकिन जब तक अच्छे खिलाड़ी नहीं बनोगे, तन मन शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आपकी अच्छी पढ़ाई भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा 2 घंटे जीवन के अंदर खेल के मैदान के लिए दो, और जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है वो 8 घंटे स्पोर्ट्स में दो, ताकि एशियाड में हो तो बूंदी का नाम हो, ओलंपिक में हो तो बूंदी का नाम हो। आज हमारी बेटियों ने क्रिकेट के अंदर, घुड़सवारी में कई जगह मेडल प्राप्त कर भारत का नाम उस चाइना की धरती पर भारत का झंडा लहराते हुए आपने देखा होगा। ये भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये भारत जो दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, इसके सपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये आकांक्षी नौजवान विकसित भारत देखना चाहता है। ये आकांक्षी नौजवान युवा कौशल के रूप में भारत को आगे देखना चाहता है। ये आकांक्षी नौजवान 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने का सपना ये नौजवान देख रहा है। और इसलिए नौजवानों की ताकत, उनका सामर्थ्य, उनका शौर्य, उनका इनोवेशन, उनकी नई ऊर्जा भारत को आगे लेकर जाएगी। और आज दुनिया के अंदर दुनिया भारत के नौजवानों की ओर देख रही है, इसलिए आपको ही भारत के सपने पूरे करने होंगे, आप ही असली भारत के सपने हो। और इसीलिए आइए हम सब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में यहां पर दौड़कर इसका उद्घाटन की शुरुआत करेंगे। मैं भी आपके साथ दौड़ूंगा, आप भी दौड़ोगे, हमारा तिरंगा हाथ में रहना है, हमारा तिरंगा न तो झुकना है न गिरना है, इसका हमें ध्यान रखना है। न तो तिरंगा झुकना है न गिरना है, हाथ में तिरंगा लाकर सीना तान कर भारत का नौजवान निकला है, और दुनिया के अंदर भारत का नौजवान ही नेतृत्व करेगा, यही हमारा सपना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।